हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस दीपक बाइकर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रहने भी चाहिए, मस्त रहने भी चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा 11वां ब्लॉग है और मैं 11वां ब्लॉग लेके आ गया हूँ। आज राइड करेंगे, सिटी जाएंगे, सिटी में थोड़े काम है वो काम करके आएंगे। और मैं आज का ब्लॉग जो हमारा स्टार्ट हो रहा है रूम से हो रहा है। तो आज हम अपने रूम दिखाऊंगा, हमारा कंपनी भी है यहाँ से। हमारा कंपनी मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री की वो साइड में कंपनी है, तो वो कंपनी भी दिखाएंगे। अगर देखते हैं, कंपनी अंदर तो नहीं दिखाएंगे लेकिन बाहर से दिखा देंगे दोस्तों। आज कंपनी हमारा रूम से कितना दूर है, और ये रूम है हमारा, ये ऐसा रूम है, कुछ खास तो नहीं लेकिन कंपनी के अंदर है, सही है। हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं से हमारा काम होता है। तो आज लोग आप लोगों को दिखाते हैं हम अपना सिस्टम। जो हेलमेट तो यहाँ पे नहीं, हेलमेट तो बाहर ही रखा है। गाड़ी जहाँ खड़ी करते पार करते हैं उसके बाजू में रख देते हैं हेलमेट। बार बार कौन लेके आएगा रूम पे? तो दिखाते हैं आप लोगों को रूम। और रूम में हमारे इंटीरियर का काम चालू होने वाला है जल्दी। इंटीरियर का काम होने के बाद हम वहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे कभी भी। तो इंटीरियर के लिए हम घास ला लिए हैं, घास से ही इंटीरियर हमारा, घास से ही पूरा मतलब इंटीरियर, बैकिंग इंटीरियर उसी से रहेगा। तो दिखाते हैं आप लोगों को हमारे जो ट्राईपोड है ना, ये ट्राईपोड हम फ्लिपकार्ट से लिए थे। यही ट्राईपोड से हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, तभी दूसरा ट्राईपोड यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम पे। और ये है हमारा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो ये शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हम ट्राईपॉड मंगाए थे। ये दोनों हमारे हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो अब चलिए चलते हैं, राइड करेंगे, यहाँ से सिटी चलना है तो निकलते हैं। 12 बज गए हैं तो ये ब्लॉग कल आएगा शायद, कोशिश करेंगे कि आज ही दे दें। और ये हमारे रूम में ही मंदिर है, रूम में ही मंदिर बनाए हैं, तो ये हमारे रूम का मंदिर है। तो दोस्तों चलिए चलते यहाँ से निकलते हैं। आगे देखते रहिए, आगे दिखेगी हमारी बुलबुल खड़ी है। बुलबुल वहीं पे पार्क है, ये कंपनी आगे से है। मेन गेट, मेन गेट तो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हेलमेट लिए नहीं है और बाइक चला के जाना है तो हेलमेट नहीं है यहाँ पे, हेलमेट बाहर रखा हुआ है। तो ये खड़ी रही अपनी बुलबुल, ये देखें पार्किंग में खड़ी है दोस्तों। अब लेके निकलते हैं यहाँ से। तो हेलो दोस्तों, निकलते हैं अब यहाँ से। चलिए देखते रहिए वीडियो को, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। गाड़ी में फ्यूल है आज, अभी 3 लीटर से ऊपर फ्यूल है, तो फ्यूल तो डालने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। कम से कम लाइक शेयर तो करिए करिए, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा एनर्जी आएगी, एनर्जी मिलेगी तो वीडियो बनाने में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। दोस्तों माइक जो है हम उसी का आईफोन का ही यूज कर रहे हैं। आप लोग को भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो अगर नहीं है आईफोन का भी नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। माइक कोई भी यूज कर सकते हैं, माइक का कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है ना कि जो वॉइस है, वॉइस में मतलब हेलमेट के अंदर जो लगाते सेटअप करते हैं उसको, हेलमेट होना वो मतलब रिमूव होने वाला हेलमेट चाहिए। रिमूव नहीं होगा तो ईयरफोन लगाने में दिक्कत होगी और वॉइस का लाउड जो है बहुत ज़्यादा आएगा। और अभी क्या है ना, माइक जो है मैं उसको अपने थर्माकोल के पीछे रख दिया हूँ माइक को, तो वॉइस अच्छी आती है, बाहर की वॉइस ज़्यादा नहीं होती, ऐड होती नहीं तो बहुत ज़्यादा लाउड रहता है। जब लाउड ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने में, लोग वीडियो को देखते नहीं है, फिर स्किप करते हैं और ख़त्म करके छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसमें लाउड इतना ज़्यादा होता है आपकी वॉइस समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए कभी भी माइक को जो है साइड में लगाने का, और साइड में लगाने के बाद ही वीडियो को मतलब कंटिन्यू करने का, क्योंकि बाहर की नॉइज जब ऐड होगी तो बहुत ज़्यादा लाउड आएगा, बहुत ही ज़्यादा लाउड आता है। एक दो वीडियो में मेरे स्टार्टिंग में देखा होगा आप लोगों ने, बाद में मेरे को मतलब आइडिया आया तो मैं उस अपने हिसाब से एडजस्ट किया। अभी सही है वीडियो, जो पिछली वीडियो थी उसकी नॉइज सही है, मेरी बहुत सारी वॉइस सही है। उसी हिसाब से आप लोग भी लगाइए। आप लोग को अगर गोप्रो है तो कोई बात ही नहीं, गोप्रो में तो उतना लाउड आता ही नहीं है, ऐड बाहर की ऐड मतलब बाहर की वॉइस जो है ऐड नहीं होती है, जो यहाँ का मतलब अपना वॉइस है वही बस आता है। गोप्रो में ऐसा है और अपने फ़ोन में ऐसा सिस्टम नहीं है, फोन में जो जितना भी बाहर का है वो भी ऐड हो जाएगा।
थोड़े से कपड़े ले लिए हैं हम दोस्तों, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, कपड़े वॉश करने के लिए देना है लॉन्ड्री पे, तो इसलिए बाइक चलाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसलिए पहुँच गए हैं चौधरी नगर। चौधरी नगर से मोंडा चौपली, मोंडा चौपली से दे देंगे कपड़े को, फिर चलेंगे एक जगह आप लोगों को आवाज़ लेके चलते हैं, मज़ा आएगा, वीडियो को देखते रहिए। और बहुत जल्दी हम रीवा आएंगे, हम रीवा जाने वाले हैं, हम यहाँ से देखते हैं हमारी गाड़ी का ट्रांसफ़र हो गया है, कल ही मैसेज आ गया था गाड़ी हमारे नाम पे अब हो गई है, तो दिक्कत नहीं है, आरसी आएगी नहीं आएगी तो भी गाड़ी पार्सल हो सकती है, नहीं हुई पार्सल तो अपन चला के जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर हमारे नाम पे आरसी नहीं रहेगी तो भी ऑनलाइन चेक करके हम दिखा सकते हैं, तो देखते हैं अगर पार्सल हो जाती है तो चला के नहीं आएंगे, नहीं तो पार्सल अगर हो जाती है तो पार्सल करके आएंगे, क्योंकि चलाना बोले तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही दिक्कत होगी। 1080 किलोमीटर आता है रीवा, रीवा से फिर और 100 किलोमीटर है अपना गांव, तो दिक्कत होगी, इसलिए कोशिश करेंगे कि पार्सल हो जाए, पार्सल हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 4-5 दिन 5-6 दिन रुकेंगे अगर रीवा में हम, तो 5-6 दिन का राइड वहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के यहीं से ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो आती है नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और वीडियो को देख सके, और बालों को इग्नोर करिएगा क्योंकि बाल हमारे हेलमेट लगाने की वजह से ऐसे हो जाते हैं, हेलमेट लगाने की वजह से बाल ऐसे बिखर जाते हैं, तो टेक केयर, लव यू, बाय बाय।